आज संतान सप्तमी है, अपने घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से अपने संतान प्राप्ति या संतान की लंबी उम्र या उसके उज्जवल भविष्य के लिए या परिवार की समृद्धि के लिए इन सरल से कार्य को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। मंगलवार की पावन पवित्र तिथि होने के कारण और अधिक यह विशेष हो गया है और कई तरह के दुर्लभ और शुभ संयोग हो रहे हैं जो कि अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आप वीडियो में बहुत सरल 5-6 उपाय कम से कम जानेंगे, कोई एक उपाय चुनकर अपने जीवन को संवारिएगा और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कीजिएगा। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप सभी जानते होंगे संतान सप्तमी व्रत महादेव और माँ गौरा को समर्पित है। इससे पहले आज का शुभ मुहूर्त राहुकाल का समय पहले ही बताया जा चुका है, कृपया उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अब बढ़ते हैं बिना व्रत के किसी कारण से आपके क्षेत्र में उपवास नहीं भी हो पाता है तो आज के दिन में यह कार्य बहुत अधिक लाभ देने वाले होते हैं। जैसे कि संतान रोगी है और किसी कारण से पेट में बच्चा है तब भी कर सकते हैं, या किसी को संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, या बच्चे 1-2 नंबर से पढ़ाई में चूक जाते हैं, या विवाह की दिक्कत है तो संतान की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए संतानेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। गुरुजी कहते हैं कई क्षेत्रों में संतानेश्वर महादेव अपने आप में मंदिरों में विराजमान है और उनका नाम ही पर्याप्त है संतान की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो माता पिता कोई भी करे, जैसे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, मानसिक शारीरिक पीड़ा है और ट्रांसफर इत्यादि की दिक्कत है, या गलत संगत कहना नहीं मानते, तो भी आज के दिन यह उपाय बहुत सिद्ध माना जाता है। आपको लेने हैं 108 की संख्या में गेहूं। आपने देखा होगा गुरुजी जब पूजा कराते हैं तो वंश वृद्धि और सब कार्यों की उन्नति के लिए गेहूं जरूर से लिखाते हैं 108 की संख्या में, तो वही आपको लेने हैं। थोड़ा सा लगते हैं, कठिनाई नहीं होती है, 10-10 की संख्या में गिनेंगे तो 8-9 बार में ही आप देखेंगे कि 108 की संख्या आपको प्राप्त हो गई है और 108 की संख्या तो सबसे पवित्र मानी जाती है। तो आप सभी को एक गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर जल का लोटा, जिसको या तो आप महादेव के मंदिर में चले जाएं या घर पर जो शिवलिंग विराजमान है वहां पर भी किया जा सकता है, भले ही पूजा का परिणाम थोड़ा कम मिलेगा परंतु मिलेगा जरूर। तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं प्रथम उपाय में, उसके बाद आप सभी जो 108 चावल आप गेहूं के दाने लेकर गए हैं उसे अपने हाथ की हथेली में ले, संतानेश्वर महादेव की जय, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपनी मनोकामना गेहूं की तरफ देखते हुए कह दीजिए। कटोरी में रखे हुए गेहूं ही सीधे नहीं चढ़ाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। अपने हाथ में 108 गेहूं के दाने लेने हैं और संतानेश्वर महादेव का स्मरण कर धीरे 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 1-1, 2-2, 2-2 धीरे धीरे जो है आप समर्पित करते जाए। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आज के दिन आपने शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाए हैं वह कामना सिद्ध होगी और परिवार में समृद्धि आएगी। कहिए कि हे महादेव, मेरे परिवार में मेरे बच्चे पति या मेरे जो जीवन में परेशानी है उसे आप पूर्ण करें और मेरी बाधाओं को दूर करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप घर की तरफ आ जाए। तो प्रथम वाला उपाय आपको यह करना है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय काफी सरल है और काफी लाभ देने वाला है। आज हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र दिन है तो आप हनुमान जी के मंदिर में या घर पर विराजमान हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा के सामने यह कार्य कर सकते हैं। आज आप सभी को विशेष तौर पर जो हनुमान जी है उन्हें चौमुखा दीपक बहुत प्रिय है। दूसरा उपाय सुनिएगा, अंत में अन्य उपाय भी हैं जो बहुत काम के आपके रहेंगे। तो चौमुखा दीपक आप सभी को लगा लेना है, उसमें आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का भी, चमेली का भी, घी का भी, मेरे हनुमान जी महाराज को सभी प्रिय हैं, जो आपकी इच्छा है सिर्फ एक का ही प्रयोग करें। तेल घी सब एक में मिलाया नहीं जाता, इस बात का भी ध्यान रखें। तो सभी चीज़ें एक में न मिलाते हुए सिर्फ एक या तो सरसों का तेल या तिल का तेल का प्रयोग कर इस दीपक को 4 बत्ती रखकर या तो आटे का बनाएं या मिट्टी का बनाएं आप अपने घर के मंदिर में लगा लीजिए, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं, वहां पर लगाएं। अब एक दूसरा छोटा सा कोई मिट्टी का या कैसा भी हो एक कटोरा ले लीजिए, जिसमें आप सभी को अपने हाथ की हथेली में कपूर रखना है, लौंग रखना है और काली मिर्च का दाना रखना है। ठीक है, काली मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार एक ले सकते हैं, ज़्यादा कम ले सकते हैं, परंतु काली मिर्च साबुत अच्छी अवस्था में हो। लौंग का जोड़ा लेना है अर्थात 2 लेना है और कपूर लेना है। और पूरे घर में जब दीपक लगा लें तो आपको पूरे घर में इस जो है चीज़ को, जो लौंग कपूर और काली मिर्च आपने घुमा रखी है, मेरे परिवार से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा कहा गया है, अर्थात सभी तरह के रोग संकट कष्ट पीड़ाओं को मिटाकर परिवार में समृद्धि भरता है यह उपाय। तो आप सभी को हनुमान जी का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना है और थोड़ा सा खिड़की दरवाजे खोल लेने हैं, या तो घर के मंदिर में
जो है इसे प्रज्वलित कर लीजिए कटोरी में डालकर, या घर के मध्य बिंदु में अर्थात मिड पॉइंट में इसे जला लीजिए। जलाने के बाद अगर किसी हनुमान मंदिर में कर रहे हैं, वहाँ पर चौमुखा दीपक लगा रहे हैं और सारी चीज़ें घर में घुमा कर लेकर गए हैं, तो वहाँ पर प्रज्वलित आप कर दीजिए। ठीक है, यह सभी चीज़ें आपको जला कर आ जानी है। घर में कर रहे हैं तो जलाने के बाद थोड़ा सा धुआं घर में ज़रूर से इसका कीजिएगा। निश्चित रूप से जो मन उदास रहता है, घर में नकारात्मकता है, वास्तु दोष है, किसी का कुछ किया कराया है, तो हनुमान जी की कृपा से सब दुख दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का एक पाठ कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कम ज़्यादा जितना हो करने का प्रयत्न करें। दो उपाय मैंने बताए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि गुरु जी ने कहा है। आज दूध चढ़ाने की बहुत महत्वता है, संतान से संबंध रखता है दूध। अगर आपके घर पर आज देर रात्रि तक जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर आपको जाना होता है, तो संतान प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र, हर कार्य में उन्नति के लिए गौ माता का कच्चा दूध शिवलिंग पर आज प्रयत्न करें, आप जरूर से चढ़ाएं। ठीक है, यह भी तीसरा कार्य आप कर सकते हैं। चौथा कार्य जो कि गुरुजी ने बताया है, आप सब जानते होंगे, नारियल, जो कि पुत्र प्राप्ति या संतान की लंबी उम्र या जिस व्यक्ति की डिलीवरी इत्यादि की दिक्कत हो उसके लिए किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति एक करे, सास अपनी बहू के लिए कर सकती है, माँ अपनी बेटी के लिए, कोई भी कर सकता है। आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला जो भगवान जी को समर्पित होता है, उसके ऊपर एक कपड़ा रख लेना है छोटा सा, और आप विशेष तौर पर उस कपड़े के ऊपर एक मौली बांध लीजिए। मौली बांधने के बाद आप इसे जो है, जो व्यक्ति परेशान है जीवन में, उसका नाम गोत्र बोल दीजिए और इसे अपने घर में घुमाकर शिव मंदिर में समर्पित कर आ जाइए। नारियल श्री माता रानी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। जो भी व्यक्ति आज के दिन जो है विशेष तौर पर नारियल में कपड़ा लपेट कर उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर जिसके परेशानी है शिव मंदिर में समर्पित कर आ जाता है, तो उसके जीवन में आने वाली विपत्ति दूर हो जाती है। शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग को स्पर्श कराकर आप शिव मंदिर के ठीक सामने, शिवलिंग के ठीक नीचे रख दीजिए। भगवान जी इस भोग प्रसाद को स्वीकार कर लेंगे और आपके परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत भरना आरंभ कर लेंगे। तो तीन उपाय ये हो गए। चौथा, आज कुछ भी नहीं कर सके सो शिव मंदिर में जाकर दीपदान करें, हनुमान जी के मंदिर में निश्चित रूप से बरकत होना आरंभ हो जाएगी। साथ के साथ आज बहुत शुभ और श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन बंदरों को आप जो है विशेष तौर पर गुड़, चना, केला, लड्डू इत्यादि खिलाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, पान का बीड़ा या चोला चढ़वाते हैं, तो निश्चित रूप से कामना सिद्ध होती है। हनुमान जी महाराज महादेव के ही 11वें रुद्रावतार है, तो इस तरह से आपको यह कार्य करने का प्रयत्न करना है। भाग्य चमक जाएगा, इस बात की गारंटी है। साथ के साथ गुरु जी ने कहा है, अगर संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, संतान संबंधी कोई भी परेशानी है, तो आज के दिन शिवलिंग में जो है, शिवलिंग को आप कच्चे दूध से बनाकर या मक्खन से बनाकर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग पूजन अपने घर पर करते हैं, तो संतान संबंधी परेशानी दूर होती है। अर्थात जो भी शिवलिंग बनाएंगे उसमें कच्चा दूध और मक्खन मिला लीजिएगा, इससे भी संतान की सभी परेशानियों का निदान होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो यह कार्य भी आज कर सकते हैं। आज लाल जो है, जो धागा होता है, भगवान जी महादेव के समक्ष रखा जाता है, विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है, उनको सात पूड़ी या मीठी चीज़ों का जो है सात की संख्या में भोग लगाया जाता है, बाद में इसी से जो है व्रत खोला जाता है। एक धागा लिया जाता है पूजा विधि में, उसमें सात गांठ लगाई जाती है मनोकामना कहते हुए, उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर माता और महादेव के चरणों में समर्पित कर बाद में इसे धारण कर लिया जाता है, ऐसी मान्यता है। संतान सप्तमी के दिन यह सात गांठ का धागा अगर जो व्यक्ति पहनता है, उसके जीवन की विपत्ति दूर होती है, कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो संतान सप्तमी के दिन इनमें से कोई सरल सा कार्य चुनकर लाभ प्राप्ति कीजिएगा। लाल फूलों से 108 की संख्या या कम ज्यादा जैसी भी हो महादेव का श्रृंगार करें, यह भी बहुत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। आज के दिन एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का भी आज के दिन जाप किया जा सकता है लाभ प्राप्ति के लिए। इस तरह से जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।